सरबत खालसा के नेता भाई गुरदीप सिंह और परमिंदर सिंह भलियावाली समेत 30 समर्थक गिरफ्तार। तलवंडी साबो में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। आज हरे के पुल किया जा सकता है जाम। कल पंथक संगठनों ने बुलाया है सरबत खालसा। आज फिर पंजाब कांग्रेस में शामिल होंगे विरोधी पार्टियों के नेता। दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में थामेंगे हाथ का साथ। कल शिरोमणि अकाली दल के दो विधायकों समेत कई नेता हुए थे कांग्रेस में शामिल। आज नाभा में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का संगत दर्शन। लोगों की समस्याएं सुनेंगे मुख्यमंत्री। तो जलालाबाद में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल भी संगत दर्शन के जरिए लोगों से करेंगे मुलाकात। सर्द रात में 84 दंगा पीड़ितों ने मोहाली में किया जोरदार प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर दी मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की धमकी। पंजाब की अफसरशाही पर लगाया सरकार के फैसले लागू नहीं करने का आरोप। 11 दिन बाद भी नाभा जेल ब्रेक मामले में पुलिस के हाथ खाली। अब तक गिरफ्त में नहीं आए एक आतंकी और चार गैंगस्टर। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की अपील। अगर आपके पास है कोई सूचना या सुराग तो पुलिस या जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को करें सूचित। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का आज दूसरा दिन। कल हुई थी शुरुआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले कुरुक्षेत्र की धरती से पूरी दुनिया को जाएगा गीता का संदेश। लोकसभा और राज्यसभा में आज नोट बैन के मुद्दे पर फिर हो सकता है हंगामा। सत्र से पहले विपक्ष के नेता करेंगे बैठक। पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का आज होगा औपचारिक ऐलान। मशहूर टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने उभरते बाजार में शुमार करने का दिया श्रेय। उत्तर भारत में कोहरे और ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कोहरे के चलते ज्यादातर ट्रेन और कुछ फ्लाइट्स लेट। मौसम विभाग का अनुमान आने वाले दिनों में पंजाब हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में और घना होगा कोहरा।